अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है। हमने इसके ऊपर गोश्त रखा हुआ है और चारों तरफ से हमने माचिस की तीली लगाई है, तो देखेंगे कि ये किस तरह लगता है, ये गोश्त पकता है या नहीं पकता है और किस तरह आग लगती है। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली बार अगर हम ये करें तो इसके ऊपर हमने आज गोश्त रखे तो फिर हम क्या रखें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलो हम ट्राई करते हैं कि किस तरह होता है और ये देखें कि कितने टाइम में जलता है। आप टाइम भी नोट करें कि कितने सेकंड में ये जलता है और कैसा लगता है आपको। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इससे भी बेहतर बनाएंगे। ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं कि ये गोश्त से क्या बनता है, किस तरह ये जलता है या पकता है, क्या होता है, तो इसको आग लगाने के बाद पता चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगली बार हम इसके ऊपर क्या रखें। तो चलो ट्राई करते हैं, 1 2 3 गो। तो ये देखें गोश्त किस तरह पक गया है और ये यकीनन खाने के काबिल होगा। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं और हमारे हौसला अफजाई के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये देखें इस तरह गोश्त इस तरह का बन गया है और यकीनन ये खाने के काबिल है और अच्छी तरह से पक गया है और ये बारबेक्यू की तरह बन गया है। ख़ुद ही आप देख सकते हैं कि ये किस तरह बन गए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार हमें बताएं कि हम इसके ऊपर क्या रखें। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। इंशाल्लाह इसके बाद और भी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, तो हमें मायूस ना करें, हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़, वसलाम।